With the new VIP scan app, you no longer need to pay for your calls. You will immediately receive a welcome bonus to your account. If the balance is over, you will be offered to watch the video and will be credited for that viewing in bonus minutes. Call anywhere in the world, on landline phone or any operator at a fixed price. The average expense of subscribers VIP scan app per month is $1.50, so it is profitable. And one more thing, call and chat inside the application is completely free like any other messenger. So you can download this interesting app by clicking on the link in the description of the video. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। और ऐसा अनुमान है कि इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को लेके अभी ब्रिटेन के साथ वार्ता में है। और मोस्ट प्रोबेबली इस डिजाइन को ही इंडियन नेवी के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-3 के लिए INS विशाल का नाम जिसे दिया गया है उसके लिए इस डिजाइन को ऑप्ट करने वाली है। तो इस डिफेंस सेगमेंट में हम एनालाइज करेंगे कि ये डिजाइन किस तरह का है, क्वीन एलिजाबेथ का, और कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं और किस तरह का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है ये इंडिया को। तो यूके के लिए बनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि तकरीबन 60 एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम है। और इसे क्वीन एलिजाबेथ 2 के नाम पे इसका नाम दिया गया है। और US के बाहर ये पहला इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है। तो इस एलिजाबेथ क्लास कैरियर को बिल्ड करने के लिए इसका अनाउंसमेंट 2007 में यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने किया था। और उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 4.1 बिलियन यूरो आकी गई थी, जिसे 2015 में सर्विस में लाया जाना था, लेकिन उसके बाद बजट और फंड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यूके का ये प्रोजेक्ट डिले होता गया। और टाइम द टाइम जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो भी बढ़ता गया। वो तकरीबन 2007 में 6 बिलियन यूरो का बताया गया, उसके बाद ये 6 से बढ़ के 6.5 बिलियन यूरो हो गया 2012 में। और ये प्रोजेक्ट उनके अकॉर्डिंग डिले होता गया। और 2016 में इसे सी ट्रायल्स के लिए उतारा गया, उसके बाद 2017 में इसे दिसंबर में कमीशन कर लिया गया, लेकिन अभी ये एक्टिव सर्विस के लिए 2020 में प्लान किया गया है। बात कर लेते हैं इसके कुछ जनरल फीचर्स की। तो ये एक 65,000 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें लगा है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम, जिसको 2 36 मेगावाट गैस टरबाइन के थ्रू प्रोपेल किया जाएगा। और उसके साथ ही इसमें लगाए गए हैं तकरीबन 10 मेगावाट के 4 डीजल इंजन। इसकी स्पीड तकरीबन 25 नॉट की है और इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर तक की है। बात करते हैं कैपेसिटी की, जो कि 1600 की है, जिसमें तकरीबन 250 ट्रूप्स और 680 सेलर्स की जगह है। अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स और रडार्स की। तो इसमें लगा है S-1850M रडार, जो कि एक लॉन्ग रेंज पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार है। और इसे इसलिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है क्योंकि ये एक बड़े एरिया को सर्च करने में सक्षम है। और इस रडार को बनाया है BAE सिस्टम ने। और ये रडार अपने सक्सेसर रडार स्मार्ट एल रडार का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसे क्वीन एलिजाबेथ में डिप्लॉय किया गया है। तो जान लेते हैं इस रडार की कुछ खासियत। तो ये रडार कैपेबल है ऑटोमेटिक डिटेक्शन करने में, ट्रैक करने में, और तकरीबन 1000 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है 400 किलोमीटर की रेंज में, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। और ऐसा कई बार क्लेम किया गया है BAE सिस्टम के द्वारा कि इसका ये SM-1850 रडार स्टील्स टारगेट को भी अच्छी तरह से ट्रैक करने में और डिटेक्ट करने में सक्षम है। अब बात कर लेते हैं इसमें लगे दूसरे रडार की। तो इसमें लगा है टाइप 997 एडवांस रडार टारगेट इनिशिएशन सिचुएशन अवेयरनेस एंड नेविगेशन, जिसे शॉर्ट में RTSN के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मीडियम रेंज एयर और सरफेस सर्विलेंस 3-डायमेंशनल रडार है। इसे भी डेवलप किया है BAE सिस्टम ने। और इसकी रेंज तकरीबन 200 मीटर से लेके 200 किलोमीटर तक की है और ये तकरीबन 900 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। बात कर लेते हैं इस पे लगे अगले सेंसर्स की। तो इस पे लगा हुआ है अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सीरीज 2500 का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। और ये सिस्टम बेसिकली किसी भी वेपन इंटरफेस को और इजी बनाता है। और इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के जरिए जो भी फायरिंग कंट्रोल्स हैं उनको और अच्छे से प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें लगे आर्मामेंट्स की। तो इसमें लगा है 3 फैलेंक्स CIWS, जो कि एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। और इसे स्पेशली यूज किया जा सकेगा जो भी एंटी शिप मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट इसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकेगा। तो इसलिए इसे यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। बात कर लेते हैं इसमें लगे दूसरे गन की। तो इसमें लगेगा 4 30mm का कैलिबर गन और उसके साथ इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे बहुत सारे मिनी गन्स किसी भी रैंडम थ्रेट को काउंटर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस पे कितने एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। तो अगर आप बात करते हो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की, तो इस पे तकरीबन 24 फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जा सकते हैं। वहीं पे तकरीबन 36 वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें डिप्लॉय किया जा सकेगा। और तकरीबन 14 हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर सर्विस देने में सक्षम है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। अब बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो इसका डिजाइन किस तरह का है, क्योंकि यही जो बेसिक डिजाइन है वो भी INS विशाल में इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर डील आगे प्रोपेल होती है। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन में तकरीबन दिए गए हैं मुख्य 9 ब्लॉक्स, जिसमें से जो 6 ब्लॉक हैं उनका साइज उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो 2 लोअर मेन ब्लॉक्स हैं उनका साइज तकरीबन 6000 टन का है दोनों लोअर मेन ब्लॉक का। और लोअर मेन ब्लॉक 3 का साइज तकरीबन 8000 टन का है
जो कि एक मीडियम कैटेगरी का ब्लॉक है, वहीं पे इसका जो अगला ब्लॉक है वो एक हैवी वेट साइज कैटेगरी का ब्लॉक है और उसका जो वेट है वो तकरीबन 11,000 टन का है और ये सारे 9 ब्लॉक्स मिलके एक फ्रेम के साथ ऑल अराउंड 50,000 टन का वेट बनाते हैं। इसकी कैपेसिटी को और अच्छे से समझने के लिए इसे कंपेयर कर लेते हैं INS विक्रांत से, जो कि एक 40,000 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो INS विक्रांत से अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है, लेकिन अगर वहीं पे इसके जो ट्रूप कैपेसिटी की बात करोगे कैरी करने की तो वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है विक्रांत और एलिजाबेथ क्लास में, और ये INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इस शिप में दिया गया है तकरीबन 2 सुपर स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करेगा शिप ऑपरेशंस को नेविगेट करने में और जितने भी तरह के एरियल ऑपरेशंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा जो भी इसमें सुपर स्ट्रक्चर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि ये किस तरह का लॉन्च सिस्टम अपने साथ कैरी कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे F-35 के फिक्स विंग वाले एयरक्राफ्ट का F-35B उसको भी टेस्ट किया गया है और सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं और उस दौरान F-35 को एक छोटे से स्की जंप के थ्रू टेस्ट किया गया और ये सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्वीन एलिजाबेथ पे किसी भी तरह का कोई भी कैटापल्ट अरेस्टिंग हुक नहीं दिया गया है, इसे बेसिकली शॉर्ट टेकअप और वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है मुख्यतः, और इस पे F-35 के ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। इसमें से F-35 के जो फिक्स विंग ट्रायल्स हैं वो अभी चल रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि UK को इसका जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस है वो 2020 में दे दिया जाएगा और जिसके बाद ये तकरीबन मैक्सिमम 36 F-35 को कैरी करने में सक्षम होगा और उसके साथ ही 4 हेलीकॉप्टर्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा। अब बात कर लेते हैं इस पे डिप्लॉय किए गए पैसेंजर बोट्स की। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे तकरीबन 3 पैसेंजर ट्रांसफर बोट दी जाएगी जो कि 2 क्रू मेंबर के साथ 36 पैसेंजर को ऑपरेट करने में सक्षम होगा। तो अगर ये डिज़ाइन इंडियन नेवी ऑप्ट करती है अपने INS विशाल के लिए तो ऐसा तो तय होने जा रहा है कि इंडियन नेवी ये प्लान कर रही होगी कि वो भी अपने INS विशाल पे एक वर्टिकल लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करेगी और इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं अमेरिकन F-35 के लिए भी इंडियन नेवी में दरवाजे खुल जाते हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-35 को कंप्लीटली कंपैटिबल बनाएंगे। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।